नमस्कार, मैं हूं मनीष। आप देख रहे हैं द न्यूज़ 9x.com। द न्यूज़ 9x.com में आप सभी का स्वागत है। पूरे भारत में इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला। भाजपा ने 303 सीटें जीती तो एनडीए खेमे ने 353 सीटें इस चुनाव में जीती। लेकिन जिस वक्त पूरे भारत में चुनाव का माहौल था, तभी पूरे भारत में एक नौजवान जिस पर छात्र राजनीति पर कई लांछन लगाए गए, साथ ही उन्हें राष्ट्रद्रोही भी कहा गया, लेकिन उसके भाषण को शैली को सुन उनके साथ पूरा समाज एक हो जाता। परंतु जैसे ही राजनीति में उनकी कदम आगे बढ़ती गई, कई लोग उनके साथ होते गए तो कई लोग उनके विरोध में हो गए। जी हाँ, मैं जिस शख्स की बात कर रहा हूँ वह कोई और नहीं, दिनकर की भूमि यू कहे तो कम्युनिस्ट पार्टी का नेता कन्हैया कुमार। जब कन्हैया कुमार बेगूसराय की राजनीति में सक्रिय हुए तो लगा कि पुनः बेगूसराय की धरती कम्युनिस्ट की धरती कहलाएगी। समय दिन प्रतिदिन सामने आता गया। उन्हें लगा कि उन्हें महागठबंधन टिकट देगा, परंतु महागठबंधन ने कन्हैया कुमार को सिरे से नकार दिया। वहाँ महागठबंधन के आरजेडी के प्रत्याशी तनवीर हसन को टिकट मिल गया, जिस पर कन्हैया ने बोला कि पूरा भारत कन्हैया और गिरिराज की लड़ाई देखना चाहता है। राजनीति में कन्हैया का सबसे बड़ा घाटा यहीं पर हो गया कि कन्हैया को MY समीकरण अपने हाथों से छूट गया। साथ ही कई राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी मानना था कि इस चुनाव में अगर कन्हैया जीत जाते हैं तो हो ना हो वह बिहार की मुख्यमंत्री की कुर्सी तक की पहुंचने की लड़ाई शुरू कर देंगे। जी, जिसमें कई बिहार के युवा नेताओं को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी ओर सबसे अहम राजनीतिक बात यह थी कि गिरिराज सिंह अपने नाम पर ही चुनाव जीत गए, पर मैं इसका पर्दा उठाना चाहता हूँ। बेगूसराय पूर्व भाजपाई सांसद स्वर्गीय भोला सिंह का निधन हो गया था। भाजपा को सहानुभूति मत मिलेगा। दूसरी बात यह भी थी कि प्रत्याशी कोई भी हो, चुनाव मोदी जी को ही देना है। और तीसरी वजह यह थी कि बेगूसराय में उग्र राष्ट्रवाद का प्रचार किया गया। साथ ही साथ फायर ब्रांड नेता होने के कारण बीजेपी ने यह सीट आसानी से जीत ली। कन्हैया के चुनाव प्रचार में स्वरा भास्कर, जावेद अख्तर एवं प्रकाश राज जैसे कई बॉलीवुड सितारे पहुंचे थे। एक समय ऐसा लगा था कि कन्हैया का माहौल एक तरफ हो गया है, लेकिन कुछ नेताओं के चेहरे ने बेगूसराय की जनता को एंटी नेशनल समझा बैठी, जिसका खामियाजा कन्हैया को चुनाव में भुगतना पड़ा। सिर्फ यही नहीं, एक और बड़ी गलती जिसने कन्हैया को राजेश रंजन और पप्पू यादव के साथ हुए नजर आए। चूंकि पप्पू यादव पे एक कम्युनिस्ट नेता की हत्या के साजिश रचने का आरोप है, जिससे देख बेगूसराय की जनता ने अपना पाला बदल लिया। यह राय मेरी नहीं बल्कि बेगूसराय की जनता की राय थी। मैं जब लोगों के बीच पहुंचा तो बेगूसराय के लोगों ने मुझे यही बात कही और साथ ही साथ मुझे यह भी कहा कि हम कन्हैया के साथ खड़े थे, परंतु माहौल राष्ट्रवाद का था और हम राष्ट्रवाद के साथ रहेंगे और सदैव विकास की बातें हुई थी और मैं विकास के साथ रहूंगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो हमारा YouTube चैनल द न्यूज़ 9x सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करें।